हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल एज यू नो इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ऑफ थेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोज़ में कि जो आइडियाज़ और ओपिनियंस हैं मेलिजियन फिलोसफर्स की और प्री आयियन फ़िलासफर्स की वो मेनली uh, डील करते थे विद मदर अर्थ और इसको एक्सप्लोर करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एज़ वेल यूनिवर्स नेचुरल वर्ल्ड को कॉस्मास को एसेट्रा सो एज एंड मैंने ऑलरेडी मैंशन किया कि जो टाइम पीरियड हैं इन फिलासफर्स का uh, वो हमें अराउंड सिकस्थ सेंचुरी बी सी के दौरान देखने को मिलता है एट द टाइम जो प्री आइनियन फलासफर्स थे वो स्टडी करते थे नेचुरल इवेंट्स और उनके रोल को ट्रेडिशनली जो बिगनिंग है ग्रीक फ़िलासफ़ी की वो स्टार्ट होती हैं फ्राम ठेल्स जो जिसको जो कि फ़ाउंडर हैं प्री आइनियन फ़िलासफ़ी का जिसको रिगार्ड किया जाता है एज ए फाउंडर सो जो ग्रीक फ़िलासफ़ी हैं इसका हमें एंड देखने को मिलता है जब क्रिश्चियन एम्पायर जस्टिनियन ने बैन किया टीचिंग ऑफ ग्रीक फ़िलासफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एथिनस सो so, ये जो फ़िलासफ़र्स हैं मिलेशन फ़िलासफर फ़िलासफ़ी के सचैज टेल्स uh, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एनेक्जमेंडर जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एनेगज जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बिलोंग करते हैं सिटी ऑफ मेलेट से अयोन में प्रेजेंट डे जो कि वेस्ट कोस्ट टर्की में हमें देखने को मिलती हैं सो so, ये जो थ्री फिलासफर्स हैं इन्होंने फॉर्म किया स्कूल ऑफ मेले फ़िलासफी हिस्ट्री जो है वो रिवील करती हैं कि जो ठेल से वो टीचर था एनेक्जेंडर का और जो एनेगज हैं उसका टीचर था एनेगजमेंडर सो so, ये जो एनशेंट फ़िलासफर्स हैं ये क्नली इंटरेस्टेड थे अंडरस्टैंड करने में अबाउट द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एज़ आई ऑलरेडी मैंशनड इसके ऑरिजन की रिगार्डिंग कम्पोजिशन की रिगार्डिंग एट द सेम टाइम हमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलती हैं विदाउट द लॉजिकल थिंकिंग और थ्रू द रिलीजस व्यूज और इमेजिनेशनस हमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलती हैं अबाउट द ऑरिजिन ऑफ़ यूनिवर्स जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी थी वो अफेक्ट हुई सो इन फ़िलासफ़र्स ने सेटअप किया अपने ओन फिलासफिकल प्रिंसिपल व्यूज़ एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप विद बिटवीन ह्यूमन बींगस एंड दियर नेचर सो इसका जो मेन रीज़न था कि सॉरी ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हमें इन uh, फ़िलासफर्स के थाट स्टिल इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इवन टूडे इन ग्रीक फ़िलासफ़ी सो ये जो रीज़न uh, uh, था इन फ़िलासफर्स ये फाउंडर्स बने मलेशियन स्कूल ऑफ थाट के लेट्स हेवन ग्लिप्स ऑन कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ऑफ़ एनेक्जेंडर नाम जो एनेक्जमेंडर uh, थे वो सम था पैराडाक्सिस का पैरा पैरा बोलूँ मैं पैराजीडस थे, के और वह स्टूडेंट थे ठेल्स के सो ये जो थाट हैं ये इन्फ्लेंस होता है फ्राम एनशेंट ग्रीक सिटी और कलोनीज़ और सिटी ऑफ सतारा नियर ब्लैक सी सो ये थाट्स जो हैं ये इन्फ्लेंस करते हैं इन एरियाज़ को लाइक थेलर्स एनेगजमेंडर इन्होंने आथर किए अपने वर्कस को मेनली ऑन नेचर और इनकी जो वर्कस हैं उनमें हमें फ़िलासफ़िकल टीचिंगस देखने को मिलती हैं और बहुत ही इंटरेस्ट थे जानने के लिए थिंगस को उनकी औरजिनेशन और आ, मेनली उन्होंने यूज़ किए अपने ओन हाइपोथीसिस व्यवस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स मेनली जो एनेगजमेंडर थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे सैंटिफिक स्टडीज़ और उसने फर्स्ट मैप आ, बनाया मलेशन सेलर्स के लिए इन ब्लैक सी सो so, जो एनेगजमेंडर थे लाइक थेल वो बिलीव करते थे हर एक जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है हर एक थिंग वो ऑर्गनाइज़ होता है अकॉर्डिंगली बट वो मैंशन करता है कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं सच एज मैटर की अगर हम बात करें जो कि हमें दिखाता है कि जो बिगनिंग और एंड हैं हर एक चीज़ की वो आ, एक ही फंडामेंटल कंपोनेंट और मैटर से ऑरिजिनेट होती है सो so, एनएक्मेंडर के अकॉर्डिंग ये जो कंपोनेंट्स हैं या मैटर हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ बट ये फ़ंडामेंटल कंपोनेंट्स नहीं होते हो सकते जिसके लिए जो एनेक्जमेंडर हैं वो यूज़ करते हैं टर्म अपीरियन जिसका मतलब है लिमिटलेस एंडलेस और इमोटल या अनडिसट अंदिस्ट्रक, अनडिसट्रक्टिबल देअ वो बिलीव करते थे कि जो यूनिवर्स है ये इनफाइनइट हैं जो आ, मैटर का बना हुआ है या ये मैटर बनाता है या कंपोनेंट्स जो हैं इसके वो ऑरिजिनेट हुए हैं विद इन द यूनिवर्स सो so, जो एनेगजमेंडर हैं वो इंटरप्रेट करते हैं ऑल्सो इनजस्टिस मीनिंग एग्जिटेंस ऑफ वन इंडिजुअल की एग्जिस्टेंस जो है वो एफ़ेक्ट करती हैं इन्फ्लुंस करती हैं अन अदर इंडिजुअल्स की एग्जिस्टेंस को हेवर एक्ॉर्डिंग टू उमर उमरजिप एलेक्जमेंडर जो हैं वो एम्फासाइज करते हैं uh, कि हमें यूनिवर्सल जुडिशल सिस्टम देखने को मिलता है जिसकी वजह से ऑर्डर ब्रिंग किया जाता है सो uh, so, uh, जि जिसकी वजह से आल्सो जो बाकी कम्पोनट हैं वो ऑर्जिनेट होते हैं और रिटर्न बैक जाते हैं जहाँ से वो ऑरिजिनेट हुए हैं एनेक्जमेंडर जो हैं वो एम्बासाइज करते हैं आल्सो ऑन द फैक्ट कि uh, बहुत सारी वर्ल्ड्स हैं आल्सो हमारा जो वर्ल्ड है खाली एक वर्ल्ड नहीं है या एक नेशन नहीं है इसे बियॉन्ड हमें अदर नेशंस अदर वर्ल्ड्स भी देखने को मिलते हैं अबाउट अर्थ वो इमेजिन करता है कि जो अर्थ है ये सेंटर है यूनिवर्स की और ये फ्लोट करती है ऑन uh, यूनिवर्स और इसकी जो शेप हैं वो है सिलेंड्रिकल एज ए रिजल्ट जो अर्थ हैं ये ट्रेवल नहीं कर सकती uh, दोनों साइड्स के दरमियान बिसाइड्स एन एनेग्जमेंडर uh, वो बिलीव करते हैं कि अर्थ uh, के ऑरिजन से पहले uh, जो अर्थ हैं इसको फ्लड किया गया ये uh, फिर ड्राई आउट हुई देन ह्यूमन बींग्स इस पर इमर्ज हुए और फिर उन्होंने अपना एनवामेंट एडेप्ट किया सो so, अगर आपको uh, कोई पूछे कि किसने फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सिखाया तो आपका आंसर होगा एनेक्जमेंडर एनेगजमेंडर जो थे वो फ़र्स्ट ग्रीक फ़िलासफर हैं जिसने सिखाया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सो उसके अकॉर्डिंग बिफोर द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम सेपरेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड मतलब सर्द और गर्म की जब सेपरेट मतलब सर्द और गर्म को जब सेपरेट किया गया तो यूनिवर्स जिसकी वजह से औरजिनेट हुआ हीट एंड सॉरी हीट एंड कोल्ड कैसे सेपरेट हुआ विंड से जो विंड है फिर उसने कलेक्ट किया अर्थ को थ्रू विंड इसके बाद फ्लेम्स मतलब बन गई और देन फ्लेम्स जो हैं वो डिवाइड हुई इनटू द स्मॉलर फ्लेम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ देन आफ्टर ऑरिजिन हमें देखने को मिलता है अर्थ का दैन सन का जो कि इसके अपर साइड में है और मून का जो कि इसके मिडल में है और स्टार्स का जो कि बहुत ही क्लोज है अर्थ के और अदर सेलिशियल बॉडी बॉडीज़ का फ्राम विच uh, uh, जो एनेगजमेंडर हैं वो कहते हैं कि जो सन है वो ट्वेंटी सेवन टाइम्स लार्जर हैं दैन अर्थ और जो मून है वो है एटीन टाइम्स लार्जर दैन अर्थ और जो स्टार्स हैं वो हैं नाइन टाइम्स लार्जर दैन अर्थ एमंग अर्थ है ये कॉलमन शेपड हैं शेपड जैसे डिस्क जैसे हैं और इसकी हमें सेम uh, डिस्टेंस देखने को मिलती हैं फ्राम सन मून और स्टार्स से सो so, जो अर्थ हैं वो इक्वेबलीम में रहती हैं मिडल में रहती हैं एन एग्जामेंडर वो कंट्रीब्यूट करता है उसका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है फ़िलासफी पे अलॉट और उसने क्रिएट किया ग्लोबल मैप को थ्री कंटिनेंट्स के एज़ यूरोप एशिया अफ्रीका और Uh, उसने आइडिया लिया वर्ल्ड uh, का कि ये फ्लैग डिस्क हैं एन सर्कल्ड हैं बाई वाटर फ्रॉम हिशोडस मेथोडोलॉजी से बियॉन्ड इट एनेगजेमेंडर ने डिफाइन किए uh, इसके कंप्लेक्स सेटिंग और कंसेप्ट ऑफ अर्थ किए ये स्पेस में है सो ड्यू दिस रिसर्च और इनोवेशन जो एनेगजेमेंडर के कंसेप्ट हैं अबाउट अर्थ जो कि स्पेस में है ये हमें रीसेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है एलेक्मेंडर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे आ, लाइफ ने मूव किया फ्रॉम वाटर टू तो लैंड और वो फर्स्ट और वो कहते हैं कि जो फर्स्ट प्लेनेट हैं वो इनिशली कवर्ड था विथ वाटर मॉइस्चर बट एज ए रिजल्ट ऑफ एवॉपेशन की वजह से जो वाटर हैं वो स्लोली स्लोली रिड्यूस हुआ वेपराइजेशन की वजह से दैन जो वेपर्स हैं जिसकी वजह से क्लाउड्स औरजिनेट हुए सोलर सोलिसटाइल औरजिनेट हुई रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून औरजिनेट हुई देन विंडस ने आल्सो वंडस uh, uh, की वजह से हमें औरजिनेट औरजिनेशन uh, देखने को मिली लाइटिनिंग ठंड स्टार स्टारमस क्लाउड्स एट्सट्रा सो जिसकी वजह से हमें अर्थ uh, पे शल्स देखने को मिली सीस में शल्स देखने को मिली वाटर की वजह से सो so, ये फर्स्ट साइंस थी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ एट सी सिमिलरली उसके बाद उन शल्स में ह्यूमन बीग्स इमर्ज हुए एनिमल्स हुए इमर्ज uh, सो so, uh, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें दिखाती हैं कि कैसे लाइफ uh, ने मूव किया फ्राम वाटर टू लैंड सो ये हमें uh, लाइक like, एनेगजमेंडर की बायोलॉजी लगती है एट द टाइम सो इसी तरह जो क्लाइमेट और कॉस्मिक बॉडीज़ हैं सचेज़ अर्थ सन मून स्टार्स ड्राई वेट एक्चुअली ये ऑर्जिनेट हुए हैं एक सेम थिंग से एकॉर्डिंग टू एनेगजमीन दस हर एक कॉस्मोगोनी जो है वैदर वो अर्थ हो या सन हो या मून स्टारस ये ऑर्जिनेट हुए हैं एक सेम थिंग एज एन इन्फिनटी थिंग बेसिकली जो एनेगजमेंडर हैं वो यहाँ पर स्पेसिफी नहीं करता कि इन्फिनिटी एक्चुअली मतलब क्या है आ, ये रिलेटेड हो सकता है अबाउट जो कि आकर हुआ है रियल वर्ल्ड में वाइल, आ, सम समेडेमिस्ट के अकॉर्डिंग जो टर्म है इनफाइनाइट एलेक्जमेंडर की अपीरियन जिसका मतलब है अनलिमिटेड जो कि डिनोट करती हैं इस आइडिया को इन्फिनटी का यो लिमिटलेस का आ, जो, जिसको हम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते बट अनलिमिटेड uh, से हमें समझ आता है कि ये बाउंडलेस है लिमिटलेस हैं एट्सट्रा दस एनेगजामेंडर की अकॉर्डिंग जो इन्फिनिटी है इसका मतलब है फॉर एवर नेवर बिफोर एवर सो जो मैथमेटिकल आइडिया है वर्ड इन्फिनिटी का वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है एनेगजामेंडर की थीसिस में वायल जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं uh, ये आउट ऑफ डेट हमें देखने को मिलती है इन टूडेज टाइम्स एनेगजामेंडर के लिए जो अपेरियन और इन्फिनिटी जो है वो समाट ऑफ कास्मिक लॉ हो सकता है जो कि एक्चुअली गवर्न करता था एट द टाइम एट दैट टाइम यूनिवर्स को सो so गायज ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग